अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू इफ्तिखार एकेडमी। जो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सिविल सर्वेंट्स ऑफ प्रोहिबिशन, प्रोमोशन एंड टर्मिनेशन ऑफ सर्विस जो है, तो इसकी इंट्रोडक्शन है। अंडर सिविल सर्विस लॉज, प्रोहिबिशनरी अपॉइंटमेंट इज इनिशियल स्टेप टुवर्ड परमानेंट अपॉइंटमेंट ऑफ ए सिविल पोस्ट। जो प्रोहिबिशन होती है वो जो है वो इनिशियल जो स्टेप होता है, जो इब्तदाई स्टेप होता है टुवर्ड परमानेंट अपॉइंटमेंट के लिए, उसको प्रोबेशन कहते हैं। इन दिस पीरियड द एम्प्लॉयर्स हैज़ ए राइट टू टर्मिनेट द अपॉइंटी विदाउट असाइनिंग ए रीज़न। इस केस में जो है वो अपॉइंटी जो उसको अपॉइंट करता है वो किसी रीज़न के बगैर उसको जो है वो असाइनिंग कर सकता है, टर्मिनेट कर सकता है। प्रोमोशन इज आल्सो वन ऑफ द मोड्स ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ सिविल सर्वेंट ऑफ सिविल पोस्ट। इट इज़ ए जनरल रूल दैट नो सिविल सर्वेंट कैन क्लेम हिज प्रमोशन एज अ राइट। टर्मिनेशन ऑफ सिविल सर्वेंट इज एन एंड ऑफ द लाइफ ऑफ एम्प्लॉयज। जॉब विद एम्प्लॉयज, एम्प्लॉयज कैन नॉट टर्मिनेट हिज एम्प्लॉयज विदाउट सर्विंग नोटिस, आर मे बी टर्मिनेटेड इन केस ऑफ सम विदाउट सर्विंग नोटिस। जो सिविल सर्वेंट होता है उसको विदाउट नोटिस के जो है वो टर्मिनेट नहीं किया जा सकता, जबकि उसको नोटिस, कुछ इसकी जो कैटेगरीज होती हैं वो सब कुछ आगे जाके पढ़ेंगे कैसे उसको टर्मिनेट होगा। फिलहाल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेशन है, प्रोबेशनरी पीरियड इज सच पीरियड इन विच न्यूली अपॉइंटेड एम्प्लॉय हैज़ टू शो। प्रोबेशन जो होता है ये इब्तदाई पीरियड होता है किसी भी एम्प्लॉय का, कि वो शो करे, मतलब जो उसका बॉस है या कुछ उसमें है, अपनी जो कैपेबिलिटी है उसको शो करनी होती है, कि वो फिर जो उसका नेक्स्ट स्टेप है कि उसको परमानेंट करे या ना करे। लेकिन इसमें जो इब्तदाई अमल होता है उसको प्रोबेशन कहते हैं। प्रोबेशन रूल अंडर 7, फॉलोइंग आर द प्रोबेशन रूल्स अंडर 7 डिटेल्स। ये हैं पीरियड ऑफ प्रोबेशन, न्यूली अपॉइंटेड पर्सन टू अ पोस्ट विल परफॉर्म हिज ड्यूटीज ऑन प्रोबेशन फॉर द पीरियड ऑफ 2 ईयर्स। 2 ईयर्स के लिए जो है उसको प्रोबेशन पीरियड पे अपॉइंटमेंट किया जाता है, या उसको जो पोस्ट है वो 2 ईयर्स के लिए होती हैं, ताकि उसका उसकी कैपेबिलिटी का पता चल सके। आर विल बी परफॉर्म हिज ड्यूटी अंडर द डायरेक्शंस ऑफ द अपॉइंटिंग अथॉरिटी फॉर द पीरियड ऑफ 1 ईयर, या फिर 1 ईयर की जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी होती है वो उसको अपॉइंट करती है। रिटन रिकॉर्ड ऑफ प्रोबेशन, द अपॉइंटिंग अथॉरिटी विल कीप इन रिटन रिकॉर्ड ऑफ द प्रोबेशन पीरियड ऑफ न्यूली अपॉइंटेड पर्सन, सो दैट इट मे बी प्रेजेंटेड विन नीडेड। जो रिटन रिकॉर्ड होता है प्रोबेशन का, वो जो है न्यूली जो बंदा होता है उसको रिकॉर्ड होता है उसका रिटन में। एक्सटेंशन ऑफ प्रोबेशन, जो प्रोबेशन है उसको एक्सटेंशन भी दी जा सकती है ड्यूरिंग द प्रोबेशन और आफ्टर एक्सपायरिंग द पीरियड ऑफ प्रोबेशन। जो पर्सन होता है उसकी जब प्रोबेशन पीरियड जो होता है वो एक्सपायर हो जाता है, या फिर प्रोबेशन पीरियड के दरमियान ही उस द अपॉइंटिंग अथॉरिटी विल पास द ऑर्डर फॉर एक्सटेंशन ऑफ प्रोबेशन पीरियड इफ़ अथॉरिटी थिंक्स फिट। अगर अथॉरिटी जो है वो ये सोचती है कि ये बंदा फिट है, तो उसकी प्रोबेशनरी पीरियड जो है वो उसको और ज़्यादा एक्सटेंशन भी कर सकते हैं, तोसी कर सकते हैं। 1 ईयर एक्सटेंशन ऑफ प्रोबेशन, इफ द अपॉइंटिंग अथॉरिटी डज नॉट पास एनी ऑर्डर फॉर एक्सटेंशन ऑफ प्रोबेशन पीरियड। अगर जो अथॉरिटी, अपॉइंटिंग अथॉरिटी होती हैं, वो अगर एक्सटेंशन ऑर्डर पास ना करें प्रोबेशन पीरियड का, इन दिस केस इट विल बी कंसिडर्ड दैट प्रोबेशन हैज़ बीन एक्सटेंडेड फॉर ए पीरियड ऑफ 1 ईयर। इस केस में जो है प्रोबेशन कंसिडर किया जाएगा कि 1 ईयर के लिए एक्सटेंड हो चुका है। कंटिन्यूशन ऑफ ऑर्डर, ड्यूरिंग द एक्सटेंड पीरियड ऑफ प्रोबेशन इट विल बी कंसिडर्ड दैट द अपॉइंटिंग कंटिन्यूड इज फर्दर ऑर्डर्स। डेफिनेशन ऑफ प्रोमोशन, अब प्रोमोशन क्या होती हैं? इन टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट, प्रोमोशन इज मीन चेंज ऑफ ड्यूटीज एंड टाइटल। प्रोमोशन का मतलब है कि चेंज ऑफ ड्यूटी एंड टाइटल जो है उसको कहते हैं। इट हैपन्स वेयर एन एम्प्लॉय हैज़ गेंड ए पार्टिकुलर एक्सपीरियंस एज वेल एज हैविंग बेटर क्वालिफिकेशन फॉर द प्रमोशन टू हायर पोस्ट। उसमें उसकी जो एक्सपीरियंस है, या फिर जो उस एम्प्लॉय का जो एक्सपीरियंस गेन कर लेता है, या उसकी जो क्वालिफिकेशंस हैं वो जब हायर हो जाती हैं, तो उसको प्रमोशन किया जाता है एक फ्रॉम लोअर पोस्ट टू अपर पोस्ट, या फिर लोअर ग्रेड से अपर ग्रेड किया जाता है उसको। कंडीशंस फॉर प्रमोशंस, क्वालिफिकेशंस हैं पहली कंडीशन। इट इज़ नेसेसरी कंडीशन फॉर द प्रमोशन ऑफ एन एम्प्लॉय फ्रॉम लोअर पोस्ट टू हायर पोस्ट दैट ही मस्ट पोसेस मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर द प्रिस्क्राइब्ड पोस्ट। जो
पोस्ट होती हैं उसकी जो मिनिमम क्वालिफिकेशंस होती हैं या मैक्सिमम क्वालिफिकेशंस होती हैं उसके ऊपर एक बंदा जो है वो पूरा उतरता है और उसको जो है गेन कर लेता है, तो फिर क्या होता है कि उसको लोअर पोस्ट से हायर पोस्ट दी जाती है। एक्सपीरियंस इट इज़ नेसेसरी कंडीशन फॉर द प्रमोशन ऑफ एन एम्प्लॉय फ्रॉम लोअर पोस्ट टू हायर पोस्ट दैट ही मस्ट पोजेस एन एक्सपीरियंस फॉर द प्रिस्क्राइब पोस्ट। जो प्रिस्क्राइब पोस्ट होती हैं उसके लिए जितना जो एक्सपीरियंस चाहिए होता है, जो क्वालिफिकेशंस चाहिए होती हैं वो जो है वो एम्प्लॉय की होनी चाहिए, उसके बाद जो है लोअर पोस्ट से अपर पोस्ट तक उसको किया जाता है। बर्ड्स ऑफ रिकमेंडेशंस, बोर्ड्स ऑफ क्या होता है, इट इज़ द नेसेसरी कंडीशन फॉर द प्रमोशन ऑफ एम्प्लॉयज फ्रॉम लोअर पोस्ट टू हायर पोस्ट दैट द प्रमोशन बोर्ड मस्ट रिकमेंड एनी एम्प्लॉय फॉर द प्रिस्क्राइब पोस्ट। जो प्रमोशन बोर्ड होता है, रिकमेंडेशन बोर्ड होता है, वो उसको रिकमेंड करता है नेक्स्ट पोस्ट के लिए। रिजर्व पोस्ट, इट इज़ नेसेसरी कंडीशन फॉर द प्रमोशन ऑफ एनी एम्प्लॉय फ्रॉम लोअर पोस्ट टू हायर पोस्ट दैट देयर शुड बी रिजर्व पोस्ट फॉर डिपार्टमेंटल प्रमोशन। जो उसको प्रमोशन मिल रही है उसके लिए ज़रूरी है कि उसको पोस्ट जो है वो डिपार्टमेंटल हो और रिजर्व पोस्ट हो। सिलेक्शन एंड नॉन सिलेक्शन पोस्ट, इट इज़ नेसेसरी कंडीशन फॉर द प्रमोशन ऑफ एम्प्लॉय फ्रॉम लोअर पोस्ट टू हायर पोस्ट देयर दैट देयर शुड बी ए सिलेक्ट और नॉन सिलेक्शन पोस्ट डिपार्टमेंटल प्रमोशन होनी चाहिए। उसके बाद है डेफिनेशन ऑफ टर्मिनेशन सर्विस, जो सर्विस हैं वो कैसे टर्मिनेट होती हैं। टर्मिनेशन ऑफ सर्विस इज़ एन एंड ऑफ लाइफ ऑफ एम्प्लॉयज़ जॉब विद द एम्प्लॉयर। टर्मिनेशन ऑफ सर्विस जो है ये एम्प्लॉयज़ की सर्विस की एंड होती हैं, अख्तिताम होती हैं। एम्प्लॉयर कैन नॉट टर्मिनेट हिज एम्प्लॉय विदाउट सर्विंग नोटिस। जो एम्प्लॉयर हैं वो उस अपने एम्प्लॉय को विदाउट नोटिस के टर्मिनेट नहीं कर सकता, और मे बी टर्मिनेटेड इन सम केसेस विदाउट सर्विंग। लेकिन कुछ केसेस ऐसे हैं जहां पर विदाउट सर्विंग नोटिस के भी उसको टर्मिनेट किया जा सकता है, जैसा कि हमने पिछली वीडियोस में कुछ इसके पढ़े थे, वो आप प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। जर्नल रूल्स, इट इज़ ए जर्नल रूल दैट नो सिविल सर्वेंट शैल बी टर्मिनेटेड विदाउट सर्विस नोटिस। जो जर्नल रूल हैं वो ये है कि किसी भी सिविल सर्वेंट को विदाउट सर्विंग नोटिस के टर्मिनेट नहीं किया जा सकता। सर्कमस्टांसिस वेन सिविल सर्वेंट कैन बी टर्मिनेटेड इन विदाउट नोटिस। अच्छा, विदाउट नोटिस के जो है वो इसको टर्मिनेट कैसे किया जाता है। ऑन द ऑन प्रोबेशन, इसकी डिटेल से वीडियो देखने के लिए आप प्ले लिस्ट से देख सकते हैं। ये जो है इसकी जो कुछ पार्ट्स हैं वो इस क्वेश्चन के साथ भी होती हैं। ऑन प्रोबेशन ए सिविल सर्वेंट कैन बी टर्मिनेटेड विदाउट नोटिस फ्रॉम हिज सर्विस इफ ही इज परफॉर्मिंग हिज ड्यूटीज ऑन प्रोबेशन पीरियड अपॉइंटिंग अथॉरिटी इज। अगर कोई जो एम्प्लॉय है वहाँ पे काम कर रहा है प्रोबेशनर, जैसे कि इब्तदाई पीरियड में है, ट्रेनिंग पीरियड में है, तो जैसे ही उसका प्रोबेशन पीरियड जो है वो एक्सपायर होता है तो उसको नोटिस देने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि उसकी जो सर्विस है वो टर्मिनेट हो जाएगी। या फिर ऑन द एक्सपायरी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ए सिविल सर्वेंट कैन टर्मिनेट विदाउट नोटिस फ्रॉम हिज सर्विस इफ हिज एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट विद द एम्प्लॉयर हैज़ बीन एक्सपायर्ड, अपॉइंटिंग अथॉरिटी हैज़ डिस्क्रिशनरी पावर टू टर्मिनेट हिम इन दिस केस। ऑन द एक्सपायरी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में ये होता है कि जब एम्प्लॉयर का इनका जो कॉन्ट्रैक्ट होता है कि इतने सालों के बाद ये कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एक्सपायर हो जाएगा, तो जैसे ही वो कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होता है तो जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी होती है उसके पास पावर होती है कि उसको विदाउट नोटिस के टर्मिनेट कर दे। ऑन एक्टिव अपॉइंटमेंट ए सिविल सर्वेंट कैन बी टर्मिनेटेड विदाउट नोटिस फ्रॉम हिज सर्विस इफ ही हैज़ बीन अपॉइंटेड ऑन द एक्टिव बेसिस बिकॉज सच अपॉइंटमेंट इज टर्मिनेबल ऑन द अपॉइंटमेंट ए न्यू सिविल सर्वेंट अपॉइंटिंग अथॉरिटी हैज़ डिस्क्रिशनरी पावर। जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी उसके पास डिस्क्रिशनरी पावर होती है कि उसको टर्मिनेट कर दे। टू कंक्लूड आई कैन से दैट सिविल सर्वेंट कैन बी प्रमोटेड ए हायर पोस्ट इफ ही हैज़ गेन्ड एन एक्सपीरियंस एज वेल एज क्वालिफिकेशन टू हायर पोस्ट। जो प्रमोशन होती हैं उसमें जो एक्सपीरियंस या फिर जो क्वालिफिकेशन चाहिए होती हैं हायर पोस्ट के लिए, तो उसको फ्रॉम ग्रेड टू ग्रेड जो है वो अपग्रेड किया जाता है। सिविल सर्वेंट कैन बी टर्मिनेटेड फ्रॉम सर्विस इफ ही गॉट फेल टू प्रूव हिमसेल्फ सूटेबल फॉर द पोस्ट ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ प्रोबेशन। जो सिविल सर्वेंट हैं अगर वो उसमें फेल हो जाता है, जो इनिशियल पीरियड होता है प्रोबेशन होता है, तो उसकी सर्विस जो है टर्मिनेट हो जाएगी विदाउट नोटिस के। थैंक्स फॉर वॉचिंग इफ्तिहार अकेडमी। अल्लाह हाफिज़।